क्या आपको गुदगुदी करना पसंद है? क्या आप अपने आप को गुदगुदी कर सकते हैं? अगर लगातार 24 घंटे तक गुदगुदी की जाए तो इससे क्या होगा, और क्या आप बहुत ज्यादा गुदगुदी करने से मर सकते हैं? गुदगुदी की दो किस्में होती है, एक जिसमें आपके सेंसिटिव पार्ट्स को बार बार छूने से आप हंसते हैं, गुदगुदी की दूसरी किस्म जिसमें आपकी स्किन पर हल्का सा छूने से गुदगुदी का एहसास होता है लेकिन हंसी नहीं आती। सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट आपका फेट साइड खुले पांव और गर्दन होती है। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि आप अपने आप को गुदगुदी नहीं कर सकते, और इसकी वजह यह है कि आपका ब्रेन खुद ही डिटेक्ट कर लेता है कि आपका हाथ सेंसिटिव पार्ट की तरफ आ रहा है। लेकिन रिसर्च से मालूम हुआ है कि सिजोफ्रेनिया के शिकार अपराध अपने आप को गुदगुदी कर सकते हैं, क्योंकि इनका दिमाग इस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाता कि इनका हाथ सेंसिटिव पार्ट की तरफ आ रहा है। इंसान कितनी गुदगुदी बर्दाश्त कर सकता है? गुदगुदी करने से आप हंसते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत मजा आ रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट ने पाया कि गुदगुदी करने से वो हंसी नहीं आती जो किसी को जोक सुनाने से आती है। ये सिर्फ एक जाहिरी तौर पर नजर आता है कि आपको हंसी आ रही है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। गुदगुदी करने से आप हाइपोथैलेमस पार्ट को एक्टिवेट कर देते हैं। ये ब्रेन का वो पार्ट है जो इमोशंस के रिएक्शन को और खतरे की सूरत में जिस्म को चुकन्ना कर देता है। गुदगुदी करने से आपका जिस्म इंतहाई तकलीफ में मुब्तला शख्स की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन एक घंटे तक मुसलसल गुदगुदी करने से क्या होगा? इससे आपके जिस्म के दरमियानी हिस्से में काफी दर्द पैदा हो जाएगा। ये आपकी जिंदगी की सबसे बुरी एक्सरसाइज होगी। और अगर गुदगुदी मुसलसल 10 घंटों तक की जाए तो क्या होगा? इसमें तकलीफ के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। हकीकत में गुदगुदी को पुराने जमाने में दूसरों को तकलीफ देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 3री सदी कबल मसीह में चीनी इसे तशद्दुद के तौर पर इस्तेमाल करते थे। 15 घंटों तक गुदगुदी से आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा और आप बेहोश भी हो सकते हैं। और अगर आप गुदगुदी 24 घंटों तक करें तो इसका अंजाम ये होगा कि आप अपने जिस्म पर कंट्रोल खो देंगे। आप अपनी सांसों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आप बहुत दबाव का शिकार हो जाएंगे। आपको दम घुटने, दिमागी एनोरिज्म या दिल का दौरा भी पड़ सकता है और आपकी मौत भी हो सकती है।